हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीएबीएससी फाइनल ईयर की बुक स्टार्ट की थी न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी सेकंड यूनिट चल रही है जिसमें चैप्टर नंबर 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं और हम आज से चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ये भी हम पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे चैप्टर, जहाँ तक हमारा एक क्वेश्चन ईजीली कंप्लीट अटैम्प्ट हो जाएगा हम उतना ही पोर्शन कर लेंगे। तो देखते हैं पहले ये चैप्टर, वैसे तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग पिछली क्लासेस में प्लस टू में भी आपने पढ़ा हुआ है, प्लस वन में भी पढ़ा हुआ है। देखते हैं इसमें क्या है। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले, प्रोबेबिलिटी इज अ कॉन्सेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर्स द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास, जो किसी भी इवेंट के होने या ना होने की डिग्री को मेज़र करे, न्यूमेरिकली मेज़र करे, तो उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, प्रोबेबिलिटी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता देती हूँ आपको। मान लो हमने क्या किया, एक कॉइन लिया और उसको टॉस किया और हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं किसकी, कि हमारा हेड आने की हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी, वो न्यूमेरिकली काउंट करना, और टेल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। अब टोटल हमारे पास क्या आ सकता है, एक कॉइन को अगर आप टॉस करो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर मैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो हेड आ सकता है, या फिर टोटल हमारे पास कितने केसेस हैं यहाँ से, या तो हेड या टेल, तो 1/2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। ऐसे ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा जाए तो 1/2। मान लो आप एक डाइस को रोल करते हो, ठीक है, उसमें आपसे ये पूछा जाए कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब 2 तो एक नंबर है, फेवर में कितने केसेस आ गए यहाँ पे, 2 तो एक बार आ सकता है, तो फेवरेबल केसेस आपका 1 बन जाएगा। और क्या क्या आने के चांसेस है, टोटल एक डाइस में आ क्या क्या सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो इन 6 पॉसिबिलिटी में से एक आने की ये 2 आने की पॉसिबिलिटी एक बार है, तो इट मीन्स 2 आने की न्यूमेरिकली जो पॉसिबिलिटी है वो क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 1/6। तो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या हो गया, कि जो किसी भी इवेंट के अक्कर होने की, कि कोई इवेंट होगा तो उसको न्यूमेरिकली मेजर करके बताएगा कि कितने चांसेस हैं कि इस इवेंट के होने के, या ये इवेंट ना होने के कितने चांसेस हैं, उसको ये न्यूमेरिकली मेजर करता है। ठीक है, कुछ और डेफिनेशन से हमारे पास वो भी देख लेते हैं। फिर है हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज डिफाइंड एज एन एक्सपेरिमेंट इन विच आउटकम्स ऑफ ईच ट्रायल इज नॉट यूनिक बट मे बी वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन परफॉर्म्ड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या होगा, कि जिसमें क्या होगा, आउटकम आने का ऐसा चांसेस नहीं है कि आउटकम आपकी यूनिक आएगी, आउटकम आपकी यूनिक नहीं हो सकती, बट मे बी एनी ऑफ द पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल में से, उन पॉसिबल में से कोई भी एक आने के चांसेस आपके, मतलब वो यूनिक वाली चीज नहीं रह जाएगी इसमें। ठीक है, तो यहां से कंडीशंस के आप क्या बता दी इन्होंने, कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, 2 कंडीशंस को। इट मे हैव मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम्स, प्रिडिक्शन ऑफ द आउटकम इन एडवांस इज नॉट पॉसिबल। प्रिडिक्शन आप इसकी प्रॉपर नहीं कर सकते, एडवांस में आप किसी भी इवेंट के होने की जो है प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, और इसके पास एक से ज़्यादा पॉसिबल आउटकम आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, जैसे कोई डाई आपने थ्रो कर दिया, उसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कि इवन नंबर आने के कितने चांसेस हैं, अब एक डाई में इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, अब यहाँ पे यूनिक तो नहीं रह गया ना, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, तो यहाँ पे एक से यूनिक नहीं रही, एक से ज़्यादा पॉसिबल आउटकम है, और प्रिडिक्शन अब इसकी आप बता नहीं सकते कि क्या 4 ही आएगा या 6 ही आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी एक तरह से आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है वो क्या बन जाएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक से ज़्यादा आपके पास आउटकम आने के चांसेस जब हो जाए। फिर है हमारे पास सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, इट इज जनरली डिनोटेड बाय एस।
सैंपल स्पेस क्या है, जितनी भी आपके पास आउटकम्स आने के चांसेस हैं उन सब की एक कलेक्शन कर ली इन्होंने, और उस कलेक्शन को क्या नाम दे दिया, सैंपल स्पेस। जैसे मान लो हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, उसमें कितने चांसेस हैं, क्या क्या चीज़ें आ सकती है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, तो हेड और टेल इन दोनों की कलेक्शन से जो भी हमने सेट बनाया ये हमारा बन जाएगा सैंपल स्पेस। ऐसे ही अगर आप दो कॉइन को टॉस कर रहे हो तो उसमें क्या क्या आने के चांसेस हैं, मान लो फर्स्ट वाले पे हेड आ गया और सेकंड वाले पे भी हेड आ गया, एक ये पॉसिबिलिटी आ जाएगी, फर्स्ट पे हेड आ गया दूसरे पे टेल आ गया, एक ये बन जाएगी, फिर फर्स्ट पे टेल आ गया सेकंड पे हेड आ गया ये बन जाएगी, या फर्स्ट पे भी टेल सेकंड पे भी टेल, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स थी कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, उन सबको एक सेट के अंदर कलेक्ट कर लिया और इस कलेक्शन को हमने क्या नाम दे दिया, सैंपल स्पेस। जैसे डाई को अगर आप थ्रो करते हो तो उसमें क्या क्या आने के चांसेस है, वन भी आ सकता है, टू भी, थ्री भी, फोर भी, सिक्स भी, तो जितनी भी आउटकम आने के जो जो भी चांसेस हैं तो उन सब की कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, सैंपल स्पेस। ठीक है, और सैंपल स्पेस का हर एक एलिमेंट क्या बन जाता है, सैंपल पॉइंट। जैसे ये आपका सैंपल स्पेस है तो टू अगर मैं उठा रही हूँ तो टू क्या है, इसका सैंपल पॉइंट है, थ्री क्या है, सैंपल पॉइंट है, सिक्स क्या है, सैंपल पॉइंट है। क्लियर हो गया होगा सबको ये डेफिनेशन, बस थोड़ी सी हम डेफिनेशंस देख के फिर न्यूमेरिकल कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास है इवेंट और केसेस। ईच सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट, कि सैंपल स्पेस का कोई भी आप सबसेट उठा लो वो हर एक सबसेट क्या कहलाएगा, इवेंट और केस। जैसे आपने कोई डाई को थ्रो किया, उसका सैंपल स्पेस क्या, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स की कलेक्शन, अगर आप इसमें ओड नंबर का सेट उठा लेते हो, ओड नंबर डाई पे आने का सेट उठा लिया तो क्या आएगा, वन थ्री फाइव, ये क्या है, ये एक इवेंट है या ये एक केस है। इवन वाला अगर आप उठा लेते हो, टू फोर सिक्स की कलेक्शन, वो क्या, इसका सबसेट है एक, तो और फिर वो क्या बन जाएगा, एक इवेंट बन जाएगा या केस बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप के इवेंट्स इन्होंने डिफाइन किए हुए हैं कि इवेंट किस किस टाइप के होते हैं। फर्स्ट है जैसे नल इवेंट, नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो, नल मीन्स जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। An event having no sample point is called null event. एक ऐसा event जिसके अंदर कोई भी sample point ना हो। Sample point क्या था, sample space के ये हर एक element को हम क्या बोल रहे हैं, sample point। अब मान लो एक डाई आपने थ्रो किया और आप चाह रहे हो कि सेवन से ग्रेटर नंबर आ जाए उस पर, या सिक्स के से ग्रेटर नंबर आ जाए, तो क्या उस इवेंट के अंदर कोई भी एलिमेंट जा पाएगा इस सैंपल स्पेस से? सिक्स के ग्रेटर कोई नंबर है इसमें, डाई पे कभी आ सकता है, नहीं आ सकता ना, तो वो इवेंट आपका क्या बन जाएगा, नल इवेंट, जिसमें सैंपल स्पेस से एक भी एलिमेंट ना जा सके, जो एम्प्टी सेट हो, या इम्पॉसिबल इवेंट भी बोल सकते हैं। तो ऐसे इवेंट को हम बोल देते हैं नल इवेंट, जिसमें एक भी सैंपल पॉइंट ना जा सके। ठीक है, इसके बाद है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का क्या मीनिंग है, एक ऐसा इवेंट जिसका हमें बिल्कुल श्योरली पता है कि ये इवेंट तो होगा ही होगा, तो ऐसे इवेंट को बोल देते हैं सेवन श्योर इवेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लो ये सैंपल स्पेस है, आपने क्या किया, एक डाई को थ्रो किया, सैंपल स्पेस इसका रहेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और अगर आप एक इवेंट को नाम दे रहे हो कि हमें डाई पे ऐसा नंबर चाहिए जो सिक्स या उससे लेस हो, हमें पता है डाई पे एक से छः तक के ही नंबर जा सकते हैं, और सिक्स या उससे लेस आने का पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, उसका हर एक नंबर ही हमें पता है सिक्स के इक्वल है या उससे लेस है, तो ये इवेंट कैसा हो जाएगा, कि हमें पता है कि ये इवेंट तो होगा ही होगा, सिक्स से लेस नंबर आने की अगर आप बात को बोल रहे हो कि ये एक इवेंट हो जाए, तो उसमें हमें पता है आना ही आना है, कुछ ना कुछ आना ही आना है, तो वो इवेंट आपका कैसा हो जाएगा, श्योर इवेंट, कि जो हमें पता है कि ये तो होना ही होना है। और अगर आप किसी कॉइन को टॉस कर रहे हो और आप कह रहे हो या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए, तो इसका मतलब वो इवेंट कैसा हो गया, हमें पता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इनमें से कोई ना कोई तो आना ही आना है, तो वो इवेंट कैसा हो जाएगा, श्योर इवेंट। इसके बाद हमारे पास है सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट। एन इवेंट हैविंग ओनली वन सैंपल पॉइंट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड अ सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट। इवेंट कि एक ऐसा इवेंट जिसके अंदर सैंपल स्पेस का सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट हो, एक से ज्यादा पॉइंट ना हो, तो ऐसे इवेंट को क्या बोल देते हैं, एलिमेंट्री इवेंट और सिंपल इवेंट। जैसे आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, उस पर आप इवेंट का नाम दे रहे हो कि हेड आ जाए, हमारा हेड आ जाए, तो हमारे पास सैंपल स्पेस में क्या था, हेड और टेल है।
आप हेड आने को एक इवेंट बोल रहे हो, तो इसमें जो भी आप इवेंट का नाम दे रहे हो, S1 नाम दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, तो इसमें अकेला एक एलिमेंट हेड ही आ जाएगा, तो ये इवेंट कैसा हो जाएगा? सिंपल इवेंट हो जाएगा। या कोई डाई आप थ्रो कर रहे हो, उसमें आप कह रहे हो कि 2 आ जाए, तो एक अकेला एलिमेंट आप मांग रहे हो ना, 2 आ जाए, तो वो एलिमेंट कैसा हो जाएगा या इवेंट कैसा हो जाएगा? सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट, जिसमें सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट हो। फिर हमारे पास है कंपाउंड इवेंट। व्हेन एन इवेंट इज कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ सिंपल इवेंट्स देन इट इज कॉल्ड अ कंपाउंड इवेंट। कि अगर किसी इवेंट में एक से ज़्यादा सिंपल इवेंट्स कंबाइन हो जाएं, कि कोई इवेंट एक से ज़्यादा सिंपल इवेंट को कंबाइन करके बन रहा है, तो उस इवेंट को हम क्या बोल देंगे? कंपाउंड इवेंट। जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो कि दो कॉइन को वो टॉस कर रहे हो, 2 कॉइन को हमने क्या किया? टॉस किया। और हम क्या मांगना चाह रहे हैं? कि एटलीस्ट 1 हेड आए हमारे पास। ठीक है, सैंपल स्पेस पहले हम देख लेते हैं इसका क्या बनेगा। सैंपल स्पेस क्या बनेगा? हेड हेड आ जाए दोनों कॉइन पे, एक पे हेड, दूसरे पे टेल, फिर पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, फिर दोनों पे टेल। अब एटलीस्ट 1 हेड वाला इवेंट हमने उठा लिया, मीन्स कम से कम एक हेड आए, 2 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इस इवेंट में कौन कौन चला जाएगा? कम से कम एक हेड। अब यहाँ पे दोनों पे हेड आया होगा, कम से कम एक हेड तो है ना यहाँ, तो ये वाला पॉइंट सैंपल पॉइंट चला जाएगा। यहाँ पे भी कम से कम एक हेड है, ये चला जाएगा इसमें। यहाँ पे भी कम से कम एक हेड है, ये चला जाएगा। ये 3 सैंपल पॉइंट इसमें चले जाएंगे ना, तो ये इवेंट कैसा बन जाएगा? अब ये सिंपल तो नहीं रहा ना, सिंपल के बहुत सारे, 2-3 हमने सिंपल इवेंट को कंबाइन कर दिया, तो ये आपका इवेंट कैसा बन जाएगा? कंपाउंड इवेंट। जैसे इन्होंने एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि आप क्या कर रहे हो, एक 2 डाई को थ्रो कर रहे हो और उसमें आप चाह रहे हो कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू 5, कि उन दोनों डाइस पे जो भी नंबर आए उनका सम कितना हो? 5 हो। तो ऐसे इवेंट को, ये सिंपल इवेंट तो है नहीं, इसमें हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी आ जाएंगी ना। सिंपल में तो क्या होता है, एक ही सैंपल पॉइंट आता है। अब एक से ज़्यादा सैंपल पॉइंट आ जाए तो वो कैसा बन जाएगा? कंपाउंड। एक पे 1 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए, फर्स्ट पे 3 आ जाए, सेकंड पे 2 आ जाए, फर्स्ट पे 4, सेकंड पे 1, तो बहुत सारे सिंपल इवेंट की कलेक्शन होगी ना, तो इसको हम बोल देते हैं कंपाउंड इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास फेवरेबल केसेस और इवेंट्स। द केसेस विच एंश्योर दी अकरेंस ऑफ अ डिजायर्ड इवेंट आर सेड टू बी फेवरेबल इवेंट। कि ऐसे केसेस जो किसी डिजायर्ड इवेंट के होने के बारे में एंश्योर करते हैं हमें कि हाँ, ये वाला हमारा जो है, ये वाला इवेंट हमारा हो जाएगा, उसकी श्योरिटी देते हैं, वो हमारे होते हैं फेवरेबल इवेंट। जैसे आपने क्या किया कि एक डाई को रोल किया उस, और उसमें आप चाह रहे हो कि इवन नंबर आ जाए। इवन नंबर हमारे कौन से होते हैं? 2, 4, 6। तो ये 2, 4, 6 हमारे क्या बन जाएंगे? इवन तो उसमें यही है ना, इसके अलावा तो इवन है नहीं, तो ये 2, 4, 6 आपके बन जाएंगे फेवरेबल केसेस बन जाएंगे। और टोटल केसेस कौन से बन जाएंगे? जो जो पॉसिबिलिटी आने के चांसेस है, सैंपल स्पेस बन जाएगा आपका वो टोटल केसेस वाला। सैंपल स्पेस क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब अगर आप इवन नंबर की बात करो, 2, 4, 6, ये आपके फेवरेबल बन जाएंगे और ये आपके टोटल केसेस बन जाएंगे। क्लियर हो गया होगा आप कि इंश्योरेंस हमें यहाँ से मिल रही है ना, कि हमारे यहाँ से ही इवन नंबर आ सकते हैं, तो ये कलेक्शन आपकी क्या बन जाएगी? फेवरेबल केसेस की कलेक्शन। इसके बाद जैसे हमारे पास है इक्वली लाइकली इवेंट्स। इवेंट्स आर कॉल्ड इक्वली लाइकली व्हेन वी डू नॉट एक्सपेक्ट द हैपनिंग ऑफ वन इवेंट इन प्रेफरेंस टू द अदर। इक्वली लाइकली मीन्स वो इक्वल आपके पास पोजीशन हो आने की, कि अगर एक इवेंट हो रहा है तो हम उस टाइम पे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि दूसरा इवेंट भी उसी टाइम पे हो जाएगा। एक टाइम पे एक इवेंट हो रहा है, दूसरा बीच में आने के चांसेस ना हो जब। जैसे आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, अब हमें पता है कि या तो उस पर हेड आएगा या टेल आएगा। अब आप उस पर ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि हम सिर्फ हेड ही हेड आता रहे या हेड ही हेड आता रहे, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा? या हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों के आने के इक्वल चांसेस है ना, कि हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। तो ये हेड और टेल आने के इवेंट को क्या बोल दिया? इक्वली लाइकली इवेंट। आप
ऐसा शॉर्ट ही नहीं बोल सकते कि हाँ अब हेड ही आएगा चाहे कुछ हो जाए, ठीक है, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, तो ये दोनों इवेंट कैसे हैं, इक्वली लाइकली इवेंट। ऐसे ही आप किसी डाई को रोल करते हो तो हमारे पास वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री भी, फोर भी, फाइव भी, सिक्स भी, ये सारे क्या हैं, इक्वली लाइकली इवेंट है। इनमें से कोई भी चीज़ अगर होने के चांसेस हो जाएं, मतलब इक्वली हो कि सिक्स के भी इक्वल चांसेस हैं, फोर के भी, फाइव के भी, वन के भी, टू के भी, तो ये आपके इवेंट कैसे बन जाएंगे, ये छः के छः इवेंट बन जाएंगे आपके इक्वली लाइकली इवेंट। ऐसा आप नहीं बोल सकते ना श्योर होके कि हाँ अब छः ही आएगा, देख लेना अब मैं रोल कर रहा हूँ अब छः ही आएगा, ऐसा नहीं होता, आपके छः के छः इवेंट आने के इक्वली चांसेस होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इन एन एक्सपेरिमेंट, द इवेंट्स वेयर अकरेंस ऑफ वन इवेंट एक्सक्लूड्स और रूल आउट द हैपनिंग ऑफ ऑल अदर इवेंट इन सेम एक्सपेरिमेंट इज सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हो, उसमें किसी इवेंट की बात कर रहे हो, एक इवेंट होने के टाइम पे जब दूसरा इवेंट हमें पता है कि अगर ये इवेंट हो रहा है तो दूसरा इवेंट इस टाइम पे नहीं हो सकता, मतलब एक इवेंट अगर आप कह रहे हो कि ये इवेंट हो जाएगा तो वो इवेंट होते टाइम वो बाकी सारे दूसरे इवेंट के होने के चांसेस को रूल आउट कर दे कि हाँ ये इवेंट हो रहा है तो इस टाइम पे सिर्फ यही इवेंट होगा, बाकी इवेंट्स नहीं हो सकते। क्या मीनिंग है कि अगर आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो तो या तो हमें पता है या हेड आएगा या टेल आएगा, तो आप ये तो नहीं कह सकते ना वो हेड और टेल दोनों आ जाए, ऐसे इवेंट को तो सीधे सीधे रूल आउट कर रहा है ये इवेंट, ठीक है। तो जैसे आप एक डाई को भी रोल करते हो, आप ये कह दो कि अब हमें पता है इस इवेंट की अगर मैं बात करूँ कि एक डाई को रोल करे या तो उसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एक कोई एक आ सकता है ना उनमें, ऐसा तो नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते बाकी इवेंट में भी कि हाँ कि सारे इकट्ठे आ जाएं, तो इसका मतलब वो एक टाइम पे जो इवेंट हो रहा है वो बाकी सारे इवेंट के ना होने के चांसेस को बढ़ा रहा है। मींस दो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, ऐसे इवेंट को हम बोल देते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, कि हेड या टेल आएगा हमें पता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड और टेल इकट्ठे कभी भी नहीं आ सकते, ये दोनों इवेंट एक साथ कभी नहीं हो सकते, हेड आ रहा है तो टेल नहीं आ सकता, टेल आ रहा है तो हेड नहीं आ सकता। तो इसका मीनिंग क्या, ये रूल आउट कर रहा है जब अगर ये इवेंट हो रहा है तो ये इसको रूल आउट कर रहा है, अगर ये इवेंट हो रहा है तो ये हेड आने के इवेंट को रूल आउट कर रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी या ये इवेंट और ये इवेंट इनमें कुछ भी कॉमन में तो नहीं है ना, इनकी इंटरसेक्शन कैसी है, एम्प्टी है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए हमारे पास क्या है, एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव केसेस, द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स दैट कैन अकर इन एन एक्सपेरिमेंट आर नोन एज एग्जॉस्टिव केसेस, कि किसी भी टोटल नंबर ऑफ इवेंट के, कोई एक्सपेरिमेंट आपने ले लिया उसमें जितने भी इवेंट हो सकते हैं उन सबको इकट्ठा बोल के क्या बोल दिया कि ये कैसे हैं, एग्जॉस्टिव केसेस हैं। जैसे आपने क्या किया, एक डाई को थ्रो किया, रोल किया, तो उसमें कौन कौन से केस बन सकते हैं, या वन आ जाएगा, टू आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, फोर आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, मतलब एक तरह से ये क्या कहना चाह रहे हैं कि एग्जॉस्टिव केस और सैम्पल स्पेस थोड़ा सेम डेफिनेशन लग रही है ना, ये वही चीज़ कहना चाह रहे हैं। तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्या है, ये सारे इसके एग्जॉस्टिव केसेस हैं, ठीक है, क्लियर होगी होंगी ये सारी डेफिनेशंस। इसके बाद एक दो डेफिनेशंस हम और देख लेते हैं, उसके बाद एक दो एग्जाम्पल करके आज के लिए सफिशियंट है। मान लो आपको किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला जाए तो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। जैसे मान लो आपने क्या किया, एक डाई को रोल किया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो ये टोटल केस पॉसिबल आउटकम कितनी है, ये छः के छः केसेस आ सकते हैं, तो ये टोटल आपका हो जाएगा सिक्स, और आप कहना चाह रहे हो कि थ्री आ जाए मेरा, ठीक है, तो फेवरेबल कितने हो गए यहाँ पे, थ्री अकेला ही फेवरेबल है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी, वन बाय सिक्स। अगर आप बोल रहे हो कि इवन नंबर आ जाए मेरा, तो इवन कौन कौन है, टू फोर सिक्स, इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है, तो फेवरेबल कौन हो गए, टू फोर सिक्स, तीन फेवरेबल केसेस हो गए, टोटल केसेस कितने हो गए, सिक्स, तो इवन आने के या ओड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, थ्री बाय सिक्स।
और कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे पास प्रोबेबिलिटी के लिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. कभी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऐसा नहीं होगा कि नेगेटिव चली जाए, वो हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगी. मीन्स जीरो हो सकती है प्रोबेबिलिटी या जीरो से बड़ी होगी प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज जीरो. कि अगर कोई इवेंट इम्पॉसिबल है, हमें पता वो हो ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? जीरो. जैसे आप ये कह दो कि एक कॉइन को आपने टॉस किया, आप कह दो हेड और टेल इकट्ठा आ जाए, इम्पॉसिबल है ये इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? जीरो. प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ अ श्योर इवेंट इज वन. कि अब हमें पता है कि ये इवेंट होगा ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वन. अगर आप कह रहे हो कि आपने एक कॉइन को टॉस किया, आप कह रहे हो या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए, तो हमें पता है हेड या टेल इन दोनों में से कोई ना कोई तो आना ही है, श्योर इवेंट है वो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? वन. द प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन जीरो एंड वन. कि जीरो और वन के बीच में प्रोबेबिलिटी लाई कर सकते हैं. बोथ इंक्लूसिव का क्या मीनिंग है? कि वो ये जीरो भी इंक्लूड है और वन भी इंक्लूड है. प्रोबेबिलिटी हमारे पास जीरो के इक्वल भी हो सकती है, वन के इक्वल भी हो सकती है, और इन दोनों के बीच में भी लाई कर सकती है. इफ द इवेंट ए इम्प्लाइज द इवेंट बी. कि हमें पता है कि ये इवेंट इसके होने को इम्प्लाई कर रहा है, तो ए की प्रोबेबिलिटी बी के प्रोबेबिलिटी से लेस होगी. और कुछ और एक दो हमारे पास प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज हैं, ये आप खुद देख लेना. अगर हम म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है, हमारा एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ए और बी की अगर आप बात की जाती है कि या तो ये इवेंट हो जाए या ये इवेंट हो जाए, तो वो किसके इक्वल जाता है? ए यूनियन बी के इक्वल. और वो प्रोबेबिलिटी कितनी जाएगी? ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी. ऐसे ही हमारे पास बाकी हैं, ये आप लोग एक बार पढ़ लेना. ये वाले सिंपल हैं बिल्कुल. मेन जो था थोड़ा समझाने का वो मैंने समझा दिया ऑलमोस्ट. जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट है हमारे पास, टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द अक्रेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ अदर. इंडिपेंडेंट मीन्स एक का दूसरे इवेंट से कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, कि एक हो रहा है तो वो दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहा, तो ऐसे इवेंट को आप बोल दोगे इंडिपेंडेंट इवेंट. जैसे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ इन्होंने, फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग थ्री वाइट एंड टू ब्लैक बॉल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग वाइट बॉल इज 3/5. कि तीन वाइट हैं, दो ब्लैक बॉल हैं एक बैग में, उसमें से आप चाह रहे हो कि वाइट बॉल आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? फर्स्ट वाली वाइट आ सकते हैं, सेकंड या थर्ड. मींस फेवरेबल केसेस तीन हो गए, टोटल बॉल्स कितनी है? 5 है, तो 3/5. ठीक है. इफ द बॉल ड्रॉन इज रिप्लेस्ड इन द बैग एंड अगेन अ वाइट बॉल इज ड्रॉन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल इज सेम इन द बोथ केसेस. कि एक बार वाइट बॉल निकाल ली, फिर क्या किया, उसको वापस डाल के रिप्लेस करके कोई और वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं, तो वो क्या रहेगी? सेम ही रहेगी, 3/5. तो ऐसे टाइप के इवेंट्स को क्या बोल देते हैं, कि अगर रिप्लेसमेंट करके आप क्या कर रहे हो, बॉल निकाल रहे हो, तो वो क्या कर रहे हैं, वो इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट है, वो एक इवेंट दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहा. इसके बाद हम एक या दो एग्जांपल देख लेते हैं. कुछ जो बीच में रह गया वो आप एक बार अपने आप देख लेना. मेन जो चीज़ें समझाने की थी वो मैंने समझा दी. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेज ऑफ अ कॉइन. अब तीन कॉइन को टॉस किया गया है, तो हमारे पास क्या क्या चांसेस आएंगे? या ये बोल लो कि एक ही कॉइन को तीन तीन बार टॉस कर करके देखें, तो हमारे पास क्या रहेंगे? कि पहली बार किया तो टेल आया, फिर किया टेल आया, फिर किया टेल आया, फिर पहली बार टेल, टेल हेड, टेल हेड, टेल, ये फिर हेड आ गया, फिर दूसरी बार टेल, फिर टेल, फिर टेल आया, फिर हेड आया, हेड आया, फिर जैसे ये सारे, ये तो पता ही होंगे ना कैसे निकाल सकते हैं. ये जितने भी केसेस हम निकाल सकते हैं वो हमने निकाल लिए, कि एक ही कॉइन को तीन बार आप टॉस कर करके देख रहे हो, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 पॉसिबल इवेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट 8. एक्स हमने क्या कर दिया? रैंडम वेरिएबल को डिनोट कर दिया. द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस. तो रैंडम वेरिएबल क्या ले लिया? कि ऐसा वेरिएबल जिस एक ऐसा इवेंट, या फिर ये बोल दो कि हम नंबर ऑफ हेड कितने आ सकते हैं एक कॉइन को तीन बार टॉस करने पे. क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इस रैंडम वेरिएबल की? कि या तो एक भी टॉस, एक भी हेड ना आए. दूसरा, तीन बार टॉस करने में से सिर्फ एक ही बार हेड आए. तीसरा, कि तीन बार टॉस किया, दो बार हेड आ गया, एक बार टेल आ गया. या तीन बार टॉस किया, तीनों बार ही हेड आ गया.
तो ये कैसे, ये हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होने की. अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं, जब एक भी बार हेड ना आए. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड कैसे लिखते हैं इसको, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो. एक्स आप रैंडम वेरिएबल ले रहे हो ना, कि नंबर ऑफ हेड्स व्हेन कॉइन इज टॉस्ड, मतलब कि एक भी हेड ना आए. तो एक भी हेड ना आने का इसमें आप कौन सी ऐसी, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक भी हेड नहीं आ रहा, सिर्फ ये वाला पॉइंट है, बाकी सब में तो कहीं ना कहीं हेड दिख रहा है. तो आपका फेवरेबल केस हो जाएगा वन, टोटल कितने हैं एट. पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन मीन्स एक बार हेड आ जाए तीन में से टॉस करने पे, एग्जैक्टली एक बार. ये नहीं करना कि एक से ज़्यादा वाले भी आप उठा लो, एग्जैक्टली एक बार हेड हो जिसमें, एक बार इसमें है, इसमें है और इसमें, तीन ऐसी जगहें हैं जहाँ पे एक बार हेड आया हुआ है. तो फेवरेबल केस कितने हो गए तीन, टोटल कितने एट. ऐसे ही दो बार हेड आ जाए, दो बार होना चाहिए, ना तो एक बार हो ना ही थ्री बार हो, थ्री टाइम्स हो. तो दो बार हेड, एक एक तो यहाँ है, दो बार हेड यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो कितने फेवरेबल केस हो गए, इन ये तीन हो गए फेवरेबल केस और टोटल केस कितने हैं एट. और तीनों बार हेड आ जाए, सिर्फ एक ही बार ऐसा हो सकता है कि जब तीनों बार टॉस करने में तीनों बार ही हेड आया, तो फेवरेबल वन केस हो गए और टोटल कितने हो गए एट. तो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बन जाएगा, एक्स मीन्स वही कि एक भी बार हेड नहीं आया, एक बार हेड आया, दो बार हेड आया, तीन बार हेड आया. पी ऑफ एक्स मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ये एक भी बार हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, ये एक बार हेड आने की, ये दो बार हेड आने की, ये तीनों बार हेड आने की. एक और देख लेते हैं बस, उसके बाद चलो, या फिर आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आगे के एग्जांपल हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कर लेंगे. उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.